मुस्लिम यहाँ पर करके बहिष्कार है, हलाल के बहिष्कार है, संघ परिवार नायक केस हिंदू पड़े नूर मूव केस सरकार हिंदू पड़े अदे रीति टीपू सुल्तान हिस्ट्री पाठ्यपुस्तक सेरसो मूलक सरकार समुदाय के ऐन सूचन पड़ता है विपक्ष कर्नाटक विपक्ष विफल अब ना विपक्ष के ना करे को नम एस डी पी पार्टी एटी नम समाज शांतियुत कापाड़ी के नावेलू कूड़ी होराट माड़ो अदे ना अदे रीति दिनेश कनेरिया बीजेपी मुखंडर मेरे और मन के बीजेपी सरकार यारू वो मन मंत्री होगी सांत्वन है परहारूद अदे अलताप अलताप योधन हिमपात सवन और मनेगू यार बीजेपी सरकार मंत्री आदू सांत्वन के तुमने सच बोलने की जरूरत की, तुमने सच बोलने की जरूरत की, ये भी तौहीन है अदालत की। इसी के साथ मैं पार्टी जिम्मेदार रियाज हुंडेकर को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी ख्याल का इजहार करें। हमारा आईन हमें इन तमाम चीजों का हक दे रहा है, मसावात की बात कर रहा है, तो सिर्फ मुसलमान को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और आपके एजेंडों में ये भी एक एजेंडा है, जब हम हलाल जानवर को जुबा करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के नाम से जुबा करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई हलाल चीजों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हम खाते हैं, तो इन्हें इतनी हसद क्यों है मुसलमानों से? क्यों ये नफरत निकाल लेना चाहते हैं मुसलमानों से? बीजेपी बहुत बहुत मुश्किलों से हिंदुस्तान बना है, बहुत सारी मुश्किलात के बाद हिंदुस्तान बना है। मुल्क में मोहब्बत कायम कीजिए, क्योंकि नफरतों से मुल्क नहीं चलता। कायम रोजा को हिंदुस्तान से निकालो। जो तिरंगा हम आज लहरा रहे हैं वो भी एक मुसलमान ने बनाया, क्या उस तिरंगे को हिंदुस्तान से निकालोगे? जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हम जिस तिरंगे को लहराते हैं हमारा इंडियन फ्लैग है, उस तिरंगे को बनाने वाला भी एक मुसलमान था, क्या तुम उस तिरंगे को भी निकालने की बात करते हो? आप असल मुद्दों से अवाम का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, आप असल मुद्दों से अवाम का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। एक नज़र पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी डालिए, देखिए देश की बढ़ती हुई गरीबी के साथ साथ महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है हमने तो अच्छे दिन नहीं देखे, जब से बीजेपी सरकार आई हमने तो अच्छे दिन नहीं देखे, लेकिन सुनाए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आए नहीं अच्छे दिन। ये सबका साथ सबका विकास सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी कस्में, झूठे झूठे वादे करना इनका काम है। बीजेपी हिंदुस्तान की अमन और शांति को मिटाने का एक एजेंडा लेके निकली है। ये हिटलर की तरह काम करना चाहती है। हिटलर, मैं पता है आपको हिटलर कौन था? हिटलर वो आदमी था जो इटली में 55 लाख ज्यूज का कत्ल किया था। ये हिटलर और मिसोलिनी की हुकूमत मिलाकर एक आरएसएस बना है। आरएसएस के एजेंडे सेम एज पर द हिटलर इन्होंने ये हिंदुस्तान को डील करना चाहते हैं। इनका मेगा परेड देखिए, इनके प्रोग्राम देखिए, इनका युद्ध देखिए, इनका एजुकेशन देखिए। हिटलर के जो लोग थे वो ब्लैक शर्ट पहना करते थे, आप देखो ये सैफ्रन शॉल पहन कर हिंदुस्तान में आकर बता। आपने देखा कि पेट्रोल के दाम पर जब ढोंगी बाबा क्या है उसका नाम भी भूल गया, रामदेव बाबा से जब मीडिया एक सवाल पूछता है कि आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो 40 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये सिलेंडर की चाहिए, तो ढोंगी बाबा कहता है, उसे उस सवाल पे इतना गुस्सा आता है, पहले कह चुका है वो ऑलरेडी, इतने झूठे हैं ये, मक्कार हैं बीजेपी वाले, तुम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे है हिंदू खतरे में हमारी वजह से नहीं है, हिंदू को खतरे में तुमने डाला है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में फर्क है, याद रखिए, जो हिंदू लोग हैं हम उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। जो हिंदुत्व के खिलाफ मर्जी
करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी से बहुत दूर दूर तक ले जा रही है हमें, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जबकि गुजरात में मैथ्स और साइंस की टीचर्स की कमी की वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो ये एजेंडा निकाले कि भगवत गीता को पढ़ाया जाए। ये एक गवर्नमेंट स्कूल में भगवत गीता की बात कर रहे हैं। भगवत गीता बहुत अच्छी किताब है, उसकी तालीम देना है, बट हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है। अगर मुसलमान, अगर पंजाबी लोग अपने धर्म की बात करेंगे, अगर मैं कहूँ, एक मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए, तब तुम मेरे पर केस करोगे, मेरे पर UAPA डालोगे। ये मुझे पता है तुम UAPA मुसलमानों पर ही डालते हो, क्योंकि हिंदुओं पर UAPA डालने की हिम्मत ही नहीं है आपके पास। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारा कोऑपरेट करे और बीजेपी की मुखालिफत करे। बीजेपी वालों को खुली आज़ादी से केस तो दर्ज होता है, लेकिन उनके पर जो सेक्शन, जो आर्टिकल्स लगाने चाहिए होते, वो आर्टिकल्स, वो सेक्शन उन पर नहीं लगाए जाते। जो सेक्शन, जो आर्टिकल मुसलमानों पर लगाए जाते, ये एक सेकुलर मुल्क में इतना भेदभाव। जिस पुलिस डिपार्टमेंट पर हम इतना विश्वास करके रातों में सोते हैं, अगर रात में हम अमन से चैन से सो रहे हैं, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की बदौलत हम सो रहे हैं। अगर यही पुलिस डिपार्टमेंट हमारी हिफाजत नहीं कर सकी, तो फिर हम क्या करें, कहां पर जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? आप भी बताओ मेरे को। बीसी नागेश, एक एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उससे आज इस मंच के जरिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, मैं बीसी नागेश से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी को पढ़े कि एक एजुकेशन मिनिस्टर कैसे होता है, उनसे कुछ तालीमात सीखें। एक बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद थे, उनसे सीखें ये तालीमात। बीसी नागेश को भगवत गीता का शायद पहला पेज भी नहीं आता होगा, भगवत गीता को लागू करने की बात करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भगवत गीता को पढ़ा है थोड़ा बहुत, मगर बीसी नागेश जो भगवत गीता को लागू करने की बात कर रहा है, उसे खुद को भगवत गीता नहीं। भगवत गीता इतनी अच्छी किताब है, अमन और शांति का पैगाम देती है। ये लोग भगवत गीता के नाम पर रावण जैसे काम कर रहे हैं। भगवत गीता बहुत अच्छी किताब है, आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक मुल्क है। कल को ये हिंदुस्तान के लोगों ने भगवत गीता का इस्तेमाल किया। हर मजहब, कोई भी मजहब अपने ग्रंथों का इस्तेमाल नहीं करता, कौन सा भी मजहब नहीं। आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए मैं मुखालिफत करता हूँ इन पॉइंट्स की। आपके टीपू सुल्तान का सबक स्कूलों से हटाने की बात पर मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए आया हूँ। मुसलमानों के व्यापार बहिष्कार की बात पर और हलाल कट की बात पर मैं तुम्हारा मुखालिफत करता हूँ। दिनेश को 25 लाख रुपए देने का डिमांड करता हूँ। और आज के प्रोटेस्ट में हम कश्मीर फाइल्स मूवी की मुखालिफत करते हैं, जो मुल्क को जेनोसाइड की तरफ ले जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लीडर से गुजारिश करता हूँ कि आप इन बीजेपी वालों पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लेते? आखिर क्यों आप बीजेपी, कांग्रेस सरकार इन बीजेपी वालों पर स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले रही? और ये बीजेपी गवर्नमेंट से माइनॉरिटीज के जो शादी महल से जो फंड सैंक्शन होता था, उस फंड को भी इन्होंने रोक दिया है। ये इतने बुरे एजेंडे हैं, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के हर एक पार्ट को, हमसे ज़्यादा शायद ये हमारे मजहब को पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ये मैं आज इन सब की मुखालिफत करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। वो आखिर आज मैं हम सब भाइयों के साथ मिलकर, जो हम औरतों के ऊपर हिजाब के बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसके खिलाफ आज हम औरतें यहाँ पर फिर से जमा हुई है। आज मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहती हूँ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि हिजाब हमारे, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि हिजाब हमारे मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं है, ये बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुरान में इस बात का जिक्र है कि हर एक औरत को हिजाब पहनना जरूरी है। ये हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करता है। आज जो फैसला किया गया, उसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा गमगीन है, बहुत ज़्यादा हम गुस्से में है कि किस तरह एक हमारे मुस्लिम होने की वजह से हमारे ऊपर
दबाव डाला जा रहा है, हमें हर चीज में हम पर दबाव जो ये किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मुल्क है, ये जो भारत है, ये एक सेकुलर मुल्क है, और जिस तरह सबको अपने अपने मजहब के ऊपर ये करने की आज़ादी है, उसी तरह हम मुसलमान, हमें भी यहाँ पर आज़ादी से जीने का हक दिया जाए। आज यहाँ पर जो हम जमा हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस देश को सेकुलर बनाना है। ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट और जो हमारे आरएसएस के लोग हैं, जो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम जो रहते थे, हमारे बीच में जो ये लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, हमें इसे बोना नहीं है, हमें इसको परवान नहीं चढ़ाना है, हमें इसे वहीं पर ख़त्म करना है। हमारी जो एकता, हमारी जो भाईचारगी सदियों से चली आ रही है, हमें उसी का हमें सबके सामने दिखाना है। आज मैं इन तमाम बहनों और माओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हिजाब का जो फैसला आया उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके, और उन सब की मैं हिम्मत अफजाई करती हूँ, उन सबको मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने अपने हिजाब को बचाया और एग्जाम में ना बैठने की उन्होंने कसम खाई। उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने हिम्मत के साथ सबके सामने ये बात कही कि हमें हिजाब चाहिए, हमें एग्जाम नहीं चाहिए। उन्होंने अपना करियर दाव पर लगाया, अपने पूरे साल की मेहनत को उन्होंने क्या है वेस्ट किया, लेकिन हमारे इस्लाम के खिलाफ उन्होंने अमल नहीं किया। आज मैं इस प्रोटेस्ट के जरिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हाई कोर्ट ने हमारे फैसले को गलत फैसला दिया, हिजाब के बारे में जो गलत फैसला लिया है, इसके बाद भी हम नहीं चुप बैठेंगे। इस हिजाब को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं, और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह इस हिजाब के इशू को सुप्रीम कोर्ट समझेगी और एक दिन इसके बारे में सही फैसला किया जाएगा। जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि वो लोग आज भी हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे आए हुए हैं। तो हमारा मुल्क जो सदियों से गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क था, आज सिर्फ चंद लोगों की वजह से, आरएसएस और बीजेपी के जो ये गुंडे लोग हैं, इन लोगों की जो फूट डालने की वजह से हमारा हिंदुस्तान जो बिखर रहा है, हमारे लोग जो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। मैं आप सभी से इसके जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इन सब के जाल में आप लोग ना फंसे, चाहे जो भी मेरी बात ये सुन रहे, ये लोग हमें आपस में लड़ा कर अपना फायदा उठाना चाहते, ये कोई भी हमारे हमदर्द नहीं है, चाहे ये हमें कितना भी हमारे साथी है करके हमें अपने साथ बुलाए, लेकिन ये कोई हमारे नहीं। हमें आपस में भाई भाई बनकर रहना, हिंदू मुसलमान हर एक, हमें अपने आप में एक मजबूत ये बनाना है। जितने भी आज इश्यू चलते आ रहे, ये जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में हिंदुस्तान में ताकत में आई, उसी वक्त से मुसलमानों पर ये अत्याचार शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि जो हिजाब, ये हमारा मजहबी एक हमारा तरीका है, हमारा एक पसंदीदा अमल है, इसके ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई, और हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, इसमें भी ये बात बताई गई है आर्टिकल 25 में कि जो भी मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो अपने मजहब के हिसाब से इस देश में रह सकता है। फिर ये लोग क्यों हमारे मजहब पर उंगली उठा रहे, ये लोग क्यों हमारी शरीयत में दखल दे रहे, क्या इन्हें देश की तरक्की और देश को आगे बढ़ाने के बारे में कोई भी फिक्र नहीं है, या फिर बाकी सब चीज़ों में ये लोग क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज जो कुछ भी ये माहौल हमारे मुल्क में चल रहा है, इसे अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, चाहे कोई भी इशू हो। और ज़्यादातर जो मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है, हम मुसलमान एक होकर हमें इसका खिलाफ आवाज़ उठाना है। आज हम औरतें इसलिए यहाँ पर आई हुई है, जो हमारा हक है, जो हमारा हिजाब है, जो हमें बुरी नज़रों से बचा रहा है, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रहा है, हमें ये वापस चाहिए। स्कूलों में इसे बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे।
कोर्ट का फैसला आने तक हम नहीं चुप बैठेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके खिलाफ फैसला दिया तो भी हम इसके बारे में सड़कों पर झुकना उतरना पड़ेगा। ये जो ताकत है, ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले हमें दबाना चाह रहे हैं, ये लोग जितना भी हमें दबा ले हम नहीं दबने वाले। हम उससे ज्यादा उसके सामने आएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी आज जो हमारा प्रोटेस्ट था बीजेपी के जो हमारे खिलाफ जो ये चल रहे हैं एजेंडे उन्होंने तैयार कर रहे हैं, जो हलाल बहिष्कार करना, हलाल को जो बहिष्कार करना, दुकानें बंद करना, दुकानें जो मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने के देने के लिए, वो बाद में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो हिस्ट्री के अंदर से नाम निकालने की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में भगवद्गीता एंटर कर रहे हैं जो सिलेबस के अंदर, उसके खिलाफ हमारे SDPI तरफ से उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था हमारा जो पार्टी की तरफ से। तो वो हमें आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ सब जब जमा हुए थे, और हमारा जो प्रोटेस्ट हमें हमारे तरफ से सक्सेस हुआ, बोल को हम ना ये मैं निसार अहमद मनियार। जो आज बीजेपी जो हमारे खिलाफ़ मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपोगंडे जो एजेंडे चला रही है, हम आज उसकी मुखालिफत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। बीजेपी के बार बार कुछ ना कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एजेंडे तय किए जा रहे हैं, और हम आज यहाँ पर एहतजाज इसलिए किए थे क्योंकि जो हर्षा का जो मर्डर हुआ, उसे CM जब 25 लाख रुपये दे सकता है तो दिनेश को वो 25 लाख रुपये क्यों नहीं दे सकते। और हमारा डिमांड ये भी था कि समीर और अल्ताफ फौजी भी वहाँ पर थे, उन्हें भी 25 लाख रुपए दे देना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। दिनेश एक दलित का इंसान है बोल के, और समीर जो मुसलमान है बोल के, जो आप उन पर अत्याचार करना चाह रहे हैं, हम इसे अत्याचार की मुखालिफत करना चाहते हैं। हम हमारा हक हिंदुस्तान के संविधान में मांग रहे हैं, और हम हक से ले रहे हैं जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि हमारे राइट्स के लिए लड़े, और राइट टू रिलीजन जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उस राइट टू रिलीजन के हिसाब से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान में रहकर, उसके दायरे में रहकर लड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के संविधान को हम फॉलो करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया है, उस संविधान को इन्होंने बदलने की बहुत बार कोशिश की है। कभी KS ईश्वरप्पा जो सैफ्रन कलर का फ्लैग हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग बनाने की बात करता है, हिंदुस्तान के फ्लैग को हटाने की बात करता है, तो सोचो इनके अंदर कितना हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैला है। हम इस आतंक को निकालना चाहते हैं, उनके जो अंदर आतंक फैला है ना, ये हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाकर दोनों के बीच में फसादात करना चाहते हैं। ये हिंदुत्व के लोग हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं, और हिंदुओं को कभी भी हिंदू हमें बुलाएंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, मगर हिंदुत्व के जो एजेंडे हैं, जो RSS ABVP VHP जो इनके एजेंडे चल रहे हैं, हम इनकी मुखालिफत करते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं।